हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से स्पेशल आईटी टूल्स के यूनिट में अपने यूनिट नंबर फर्स्ट इस पे आज की हमारी थोड़ी सी डिस्कशन रही। बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट हॉलीडेज, तो एक तरह की छुट्टियां चल रही हैं आपको कोरोना वायरस की वजह से। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्जेक्ट्स में कोई डाउट आए तो आप मतलब कि उसमें पैनिक हो जाओ। तो मैं हमेशा आपके लिए यहीं पे हूँ, तो कोई भी डाउट्स हो आप इजीली मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं आपको अपने आज यूनिट नंबर फर्स्ट, जो आज हमारा मतलब स्पेशल इंट्रोडक्टरी पार्ट है कंप्यूटर को लेके, आईटी टूल्स का यूनिट नंबर फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा अगर बात की जाए तो क्या क्या ओवरव्यू रहेगा इसमें, कंप्यूटर के बारे में सीखोगे, कंप्यूटर होता है क्या, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लोगे, इसके जनरेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद इसमें इनपुट आउटपुट यूनिट्स जो होते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जो कंप्यूटर होते हैं वो भी आप डिस्कस करते हैं। इसमें जो भी मान लो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं तो टाइप्स ऑफ नाम भी पढ़ोगे इसमें। बाकी इसमें जो आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ोगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे। सो आज के टॉपिक में सारी चीज़ें हमारे इन्वॉल्व रहेंगी। सो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर, सो जैसे कि एज अ न्यू ऑफ कि आप तो कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो कंप्यूटर है कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्पेशली यूज बनाई गई है किस पर्पज़ के लिए, हमारे जितने भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन। बिकॉज इन ओल्डन टाइम कंप्यूटर जो था वो सिर्फ मतलब कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता था, बट अगर आज की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूमेरिकल के साथ साथ और भी हमारे बड़े सारे वर्क करता है। इनफैक्ट अगर आज नंबर ऑफ थिंग्स में देखा जाए कंप्यूटर जो है हर एक जगह इन्वॉल्व हो चुका है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो कंप्यूटर एक हमारा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज की जाती है किस पर्पस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। सो न्यूमेरिकल डिफाइन करते हैं कि एक डिवाइस है जो कैपेबल होता है किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको मॉडिफाई करता है और उसके रिजल्ट्स को मतलब रीशेप करके आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग उसको इजिली डिलीवर करता है। सो ये डिफरेंट हमारे कंप्यूटर की मतलब की डेफिनेशंस हैं। तो इसी में हमारे मतलब अगर स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है इसकी हाई स्पीड। ड्यू टू द हाई स्पीड इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्विकली इन नैनो सेकंड्स के अंदर ही अपने रिजल्ट जो टास्क है वो परफॉर्म कर देता है, जो कि अगर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग की बात की जाए, जो ह्यूमन जो बींग है वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। इकॉनमी भी है, तो इकोनॉमी ये कि एफर्ट्स जो हमें लगाने पड़ते हैं 10-12 बंदे मुझे कैलकुलेशन कर रखने पड़ते हैं, वही जो कंप्यूटर है वो अकेला कर देता है। इकोनॉमी इस तरीके से ये प्रूफ हो सकता है कि इकोनॉमी को है। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब कि जो ये वर्क परफॉर्म करता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें मतलब अगर हम मिस्टेक आइडेंटिफाई करेंगे वो इतनी मिस्टेक नहीं निकल सकती। स्टोरेज ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ डेटा किस तरीके से आजकल की अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो डेटा जो स्टोर है ये लिमिटेड बड़े मैक्सिमम एक्सटेंड ये अपना डेटा स्टोर कर सकता है। तो जितना भी अगर आप GB, TB, ZB, TB, हर एक भी डेटा जो है किसी भी तरीके का नंबर ऑफ थिंग, क्योंकि अगर हमारा जो ब्रेन है वो इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। सो हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन वो इजली स्टोर हो सकती है। डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके क्या रिजल्ट है, उसके क्या इफेक्ट है, तो उसके हेल्प से आप अपने डिसीजन जो लेना चाहते हो आगे के लिए वो आप इजली ले सकते हैं। एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट फ्यूचर इज एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी। कंप्यूटर जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर इस तरीके से करता है कि आप मतलब कि इजली वे से कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहो, एडिट करना चाहो, इजली एडिट कर सकते हो। कंट्रोल, सो कंट्रोल मैकेनिज्म भी मतलब वो सिस्टम है जो कि आप मतलब अपनी मन मर्जी से आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी आप मतलब अपडेट कर सकते हो, सॉन्ग में कुछ भी, हर एक चीज का कंट्रोल में। देन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में क्या है कि आज का कंप्यूटर का स्पेशल फीचर है कि हमारे जो कंप्यूटर है वो साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो मतलब कि रॉकेट लॉन्चिंग से हो, चाहे वो सेटेलाइट फंक्शनिंग से हो, चाहे वो नेटवर्किंग प्रोसेसिंग से हो। सो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा आजकल हर एक रिसर्च प्रोसेस में यूज होता है। तो हमारे कुछ मतलब कि कुछ इसके एप्लीकेशन भी हैं। सो क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है कौन कौन से एरिया में यूज होता है। कौन कौन से एरिया में यूज होता है ये मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं। साइंटिफिक रिसर्च में हो गया,
बिजनेस एप्लीकेशन में हो गया, एंटरटेनमेंट, बैंक्स, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ कि आप भी वो फील ना करें कि मेरे को ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ाना नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपको एक ब्रीफ कंसेप्ट ओवरव्यू करवाना है। तो साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाए तो साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटर जो है मोस्टली यूज होता है। सो चाहे वो मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया कि रॉकेट लॉन्चिंग से लेकर हर एक साइंटिफिकली कैलकुलेशन, उसकी रिएक्शन, उसकी टाइमिंग जो भी है वो साइंटिफिक रिसर्च मतलब कंप्यूटर की हेल्प से। बिजनेस एप्लीकेशन इस तरीके से क्योंकि आजकल नो डाउट बिजनेस में आगे में कंपटीशन है, कंपटीशन में डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा या स्ट्रेटजीज हैं वो बनाई जाती हैं, तो कंप्यूटर जो है मोस्टली इस चीज़ में हेल्प करता है उस चीज़ को अचीव करने। ऑब्वियसली एजुकेशन, सो आजकल कोई भी मतलब कि अगर मतलब कि 70% पॉपुलेशन लगा रहे हैं, 80% पॉपुलेशन लगा रहे इंडिया की जो कंप्यूटर से मतलब कि अवेयर नहीं है। सो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं आजकल, चाहे वो कॉलेज, चाहे वो रिसर्चर्स हैं, वो स्कॉलर्स हैं, चाहे मतलब कि हायर एजुकेशन में जो भी हैं, तो सारे कंप्यूटर को फॉलो प्रेफर करते हैं अपने मतलब कि डिफरेंट मतलब कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उससे गाइड लेने के लिए, दे कैन जस्ट टच विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड एंटरटेनमेंट, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट का आज का मेजर सोर्स है कंप्यूटर। आपको मतलब कि कोई लाइन नहीं लगना पड़ता, कोई मतलब किसी का वेट नहीं करना पड़ता, वो द कंप्यूटर यू कैन सी एवरीथिंग इन योर हैंड। सो एंटरटेनमेंट में भी ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। बैंक्स, तो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बैंक टू बैंक, बैंक टू आरबीआई, आरबीआई टू वर्ल्ड बैंक, बैंक टू बैंक ऑफ कंट्रीज, विद इन द कंट्रीज, तो हर एक चीज़ जो है कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल होती है। तो बैंकिंग एरिया में भी इसकी बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली इफ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू समवन, यू कैन इजीली यूज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थ्रू विच यू कैन इजीली शेयर योर आइडियाज, इमोशन, एक्सचेंज फीलिंग्स वगैरह। तो कम्युनिकेशन में हमारा कंप्यूटर बड़ा हेल्प करता है। इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली अगर आर्किटेक्चर वर्क की बात की जाए, या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या मशीन के स्ट्रक्चर या उसके इन बिल्ट स्ट्रेटजी फीचर्स, हर एक चीज़ की अगर हमने कंसिडर करें, तो ये जो हमारे इंजीनियर कंप्यूटर है ये फ्रूटफुल साबित होता है। सो डिफरेंट ग्राफ चार्ट जो भी इंजीनियरिंग वर्क में हमारा कंप्यूटर यूज होता है। देन मेडिसिन, मेडिसिन में इस तरीके से क्योंकि सार्ड हो गया, उसके रिएक्शन हो गए, उसकी मतलब की प्रॉपर्टीज हो गई, तो प्रॉपर्टीज वगैरह हर एक चीज़ को डिलीवर करने में, सॉर्ट आउट करने में हमारा कंप्यूटर जो है बड़े हद तक हेल्पफुल रहता है। बुक पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग इस तरीके से बिकॉज आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप सर्च कर सकते हो डिफरेंट मटीरियल, बट ये कि आप मटीरियल को कॉपी नहीं कर सकते, आप उस मटीरियल से आइडिया ले सकते हो। सो उस आइडिया को सर्च करते कंप्यूटर पे, ऑब्वियसली वो आइडिया आपका डेफिनेटली वर्क करते हैं। बुक पब्लिशिंग, चाहे वो गेम्स चाहिए हो आपको, या कोई भी इंटरेक्शन चाहिए हो, कुछ पर्सनल चीज़ें, आप डायरेक्ट कंप्यूटर की हेल्प से वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑब्वियसली आजकल अगर बात की जाए हर एक एरियाज में अकाउंटिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अकाउंटिंग के जितने भी इनफैक्ट हमारी अकाउंटिंग एप्लीकेशन भी होती है कंप्यूटर में, जैसे स्प्रेडशीट तो पहले थी, इसके साथ इसके अलावा हमारा जो आजकल टैली, बिजी या ये सारे हमारे क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिसकी वजह से मतलब कुछ भी डेटा जो चाहिए था टैक्स कैलकुलेशन वो इजली आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट मतलब अकाउंटिंग में भी ये हेल्पफुल साबित होती है। सो गाइस ये हमारी नेक्स्ट आगे एक्सप्लेनेशन बता रखी है। जॉब में अभी मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कशन में बताया से, तो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल ब्रीफ में लिखा है, बाकी के जो डाउट्स हैं वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा टाइम के साथ। तो कंप्यूटर के बारे में आजकल जो पब्लिशिंग बॉब वगैरह तो छाई हुई है तरह की, नेक्स्ट है हमारा जो मैंने पीछे लेफ्ट कर दिया, अगर मैं मतलब कि एडवांटेजेस तो है नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये डिफरेंट डिसएडवांटेज है। सबसे पहले कि वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, ऑब्वियसली वायरस जो होता है और जब तक अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस एप्लीकेशन उसको हिंडर करते हैं, हैम्पर करते हैं, अगर आपकी मशीन नहीं है, ऑब्वियसली हमारा जो कंप्यूटर है वो हैक रिस्क में हो सकता है, उस पर वायरस की वजह से जो हमारा नीडफुल डेटा वो क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। सो वायरस ये इसके लिमिटेशन है। ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑब्वियसली अगर आप मतलब कि विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर यूटिलाइजेशन, कंप्यूटर
लीजिए, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो रिलेटेड टू बैंक्स या और कोई, तो ये साइबर क्राइम्स के अंदर नहीं, बल्कि आजकल बड़े सारे हो रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन या बैंक होल्डर्स के खाते में से जो पैसे वगैरह निकलते हैं या हमारे जो स्क्रैपिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं डेटा की, वो इसमें चोरी होती है। जैसे अगर आप कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है इंटरनेट शेयर कर रहे हो, तो होता है कि जो साइबर हैकर होते हैं ना, जो उस इन्फॉर्मेशन को भी रीड आउट कर लेते हैं, सो ऑब्वियसली तो हमारा जो कंप्यूटर है वो भी इतना सिक्योर नहीं। Then reduction in and employment opportunity. Obviously अगर कंप्यूटर चलाने के लिए तो स्पेशल स्किल चाहिए, बट ये जो कंप्यूटर है नंबर ऑफ पर्सन का अकेले काम कर सकता है, सो उसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट को अगर हम निकाल दें तो एम्प्लॉयमेंट भी डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं गाइस, आप इसको भी देख सकते हो। जो भी हम मतलब की कलेक्ट करते हैं एक तरह का सोर्स, और उस जो मतलब की जिसको आप मतलब की अपनी ऑब्जर्वेशन में लेते हो। सपोज अगर आप मतलब की बैठे हो कहीं, आप मतलब की डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या कलेक्ट करोगे? डेटा। यही डेटा जो है आपकी इंफॉर्मेशन, आप इसमें चेंजेस करोगे, जो आपके रिक्वायरमेंट चीज है उसको आप प्रोसेस करोगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मतलब की डेटा से निकलती है। जब आप डेटा को फिल्टर करते हो अपने रिक्वायर्ड चीज़ के अकॉर्डिंग, उसको सॉर्ट आउट करते हो, तो हमारी क्या बनी जाती है? इंफॉर्मेशन। वही अगर आप नंबर ऑफ थिंग्स को, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर ऐड करोगे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को, एक फैक्ट को या पर्सन को, वो हमारी क्या कहलाएगी? नॉलेज। तो एक स्टेप है ही सबसे पहले डेटा, तो क्योंकि आपके टॉपिक में है डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो ये भी आपके सिलेबस में, तो तभी मैंने थोड़ा सा आपको इस पर भी ओवरव्यू दे दिया। द नेक्स्ट हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। सो व्हाट आर द डिफरेंट डेटा स्टोरेज डिवाइसेस गाइस? अब बता सकते हो कौन कौन से डेटा? सबसे पहले डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं क्या? डेटा स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें आप डेटा जो है अपना इजीली सेव कर सकते हो फ्यूचर पर्पस के लिए, सिक्योर करके रख सकते हो अपने फ्यूचर नीडफुल के लिए। सो हमारे कितने टाइप के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं? सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे दो टाइप के मतलब डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। We have primary storage devices such as RAM and दूसरा जो है वो हमारा क्या है? Secondary devices। तो डेटा स्टोरेज की बात की जाए प्राइमरी, सो प्राइमरी डिवाइस के अंदर आ जाते हो इन बिल्ट कंप्यूटर के अंदर है, जैसे इसमें सबसे पहले आ गया RAM। सो डिस्कस करते हैं हम प्राइमरी सबसे पहले। सो जो हमारा कंसेप्ट था, प्राइमरी जो डिवाइस है एक तरह का मतलब कि मीडियम होल्ड करते हैं मैमरी को शॉर्ट पीरियड के लिए, जब कंप्यूटर चल रहा होता है, ये उस टाइम कंप्यूटर की प्रोसेस या परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में ये चीज़ हेल्प करती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज। और जो हमारे फर्स्ट अगर रैम की बात की जाए तो रैम जो होती है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जैसे ही आप मतलब ऑन करते हैं कंप्यूटर, जो भी आप डेटा सेव करते हो इसकी वजह से हेल्प होती है। तो हमारे रैम कब आई थी? 1947 में विलियम ट्यूब, तो ये फर्स्ट टाइम यूज हुई थी हमारी रैम, तो आप ये सारा इंफॉर्मेशन आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मतलब कि स्टोरी यूनिट मतलब कि बता रखी थी कौन कौन से हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, तो ये सारे आउटपुट हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, ये कंपोनेंट डिफरेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। देन इनपुट यूनिट की अगर बात करें, इनपुट यूनिट कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो दिस इज योर इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट वो होते हैं जो कि जिसमें हमारे सारे मतलब कि आप डेटा को हैंडल करते हो, जैसे इसमें हमारा कंप्यूटर आ सकता है, कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज है जिसके थ्रू आप डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हो। सो आउटपुट यूनिट जो होते हैं जो आपको मतलब कि रिवर्स में आंसर फीडबैक जो प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हमारी जो है स्क्रीन हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इनपुट आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर्स, दिस आर ऑल द आउटपुट, ये सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं।
कंप्यूटर में। रैम एंड रोम, रैम की बात की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो मेमोरी इंफॉर्मेशन होल्ड करती है जब आप वर्किंग कर रहे होते हो कंप्यूटर पे। अब जब कंप्यूटर मतलब कि स्टार्ट होता है तो उस टाइम कौन सी मेमोरी यूज होती है, रोम, बट ये क्या होती है, रेज, बट नॉट, ये जो मेमोरी रेज नहीं होती है और जो रैम है क्या होती है, रेज। दैट्स व्हाई जो रोम है वो वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल होती है हमारी कौन सी, जो परमानेंट मतलब कि रिमूव हो जाती है, तो कौन सी, वो रैम वोलेटाइल, तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप मतलब कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कोई फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, यही प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं जो कि सीक्वेंस में होती हैं। सो हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर, वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब कि जो भी मतलब कि एक सिस्टम को हैंडल करने के लिए बना रखे होते हैं, जैसे इसमें आपको बता दो, इसमें एग्जांपल बताते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये हमारा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ फीचर्स भी बता रखे हैं, तो ये इज द फीचर, क्लोज टू द सिस्टम, फास्ट पे, डिफिकल्ट टू डिजाइन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेस इंटरएक्टिव, स्मॉलर इन साइज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे मतलब कि पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारी जितनी भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट नोट पैड, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल वगैरह, ये सारे हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, ये डिजाइन में मतलब अगर आप कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए तो इजी टू डिजाइन होते हैं, इसको आप इजीली मैनिपुलेट भी कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें ये क्लियर होते हैं इसके साथ हाई लेवल लैंग्वेज के बाद, तो ये भी आप करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी था हमारा जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज, तो ये कुछ बता रहा है कि जनरल पर्पज जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे पैक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोई भी उसको बाय कर सकता है। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ये सारे कौन से होते हैं, स्पेशल बिजनेस पर्पज, मतलब कि स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे आपके रिक्वायरमेंट है आप वो वाला सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डलाते हैं। वही अगर मतलब कि अगर एक और जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा कहीं से भी मतलब कि आप इसको सोल्व कर सकते हो, और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होगा जो कि यूनिक होता है, तो डिफरेंट, तो कुछ बेनिफिट भी बता रखे हैं, तो आप बेनिफिट को भी नजर मार सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे भाषा को समझ नहीं सकता, तो ये जो कंप्यूटर है 01 मतलब इसकी अपनी ही लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज जो होती है वो प्रॉपर एक टेक्निक के थ्रू हैंडल होती है, वो क्या है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो कौन कौन सी लैंग्वेज हमारे जो कंप्यूटर समझता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज होगी, ये सारी ये देख लीजिए आप। सबसे पहले सोर्स कोड, सबसे बता रखा है किस तरीके से मतलब की लैंग्वेज जो मतलब की प्रोसेस जो होती है, सो आप देख सकते हो सबसे पहले सोर्स कोड, फिर प्री प्रोसेस कोड, फिर टारगेट, फिर रिलोकेटेबल मशीन कोड, देन एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, तो ये सीक्वेंस में चीज होती है, हमारे जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो एक सीक्वेंस में होती है। देन हाई लेवल लैंग्वेज हमारी जो होती है, द हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कन्वर्ट की जाती है, कन्वर्टेड होती है बाइनरी लैंग्वेज में, सो बाइनरी लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है, सो इसके बाद ही हमारी क्या होती है, देन उसकी प्रोसेसर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होती है, उसके रिजल्ट को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। देन हमारी असेंबलर, असेंबलर होता है जो हमारी ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज होती है वो किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में, तो ये डिफरेंट। लिंकर भी होते हैं, लिंकर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करके रखते हैं, आप देखते होंगे मेनू में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो उठते नहीं है, वो एज इट इज रहते हैं, वो हमारे सारे किसकी वजह से होते हैं, लिंकर्स की वजह से। वही लोडर होते हैं, लोडर भी हमारे एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, देखते हैं मतलब कोई प्रोग्राम जब आप ओपन करते हो वो प्रोसेस्ड होता है, ऐसे मतलब कि प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलता है, तो वो किसकी वजह से होता है, लोडर की वजह से। एंड क्रॉस कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर होता है मतलब कि जब आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हो कंपाइलर के टाइम में, मतलब वो कंपाइलर क्या करता है, क्रॉस फंक्शनिंग का काम करता है।
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कौन कौन सी टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो सबसे पहले हमारी मशीन लैंग्वेज, हमारी जो सबसे ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड में भी बोला जाता है, नेटिव लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में समझता है। इसके अंदर हमारे कुछ मतलब बाइनरी सिस्टम की नोटेशन होती हैं जो कंप्यूटर इजिली वे से अंडरस्टैंड उसको कर सकता है। तो उसके बाद कंप्यूटर जो होता है मतलब कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू इनटू, तो जिस तरीके से कमांड उसको दे रखी होगी उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा। वही असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो थी मतलब कि बाद में थोड़ी डिस्कवर हुई है, तो ये स्पेशल मतलब कि परफॉर्मेंसेस के लिए इजी टू हैंडल होती है, और ये जो लैंग्वेज है ये फ्लेक्सिबल इतनी नहीं है, इसको बनाने के लिए कोड जो होते हैं लैंग्वेज होती हैं वो स्पेशल एक दूसरे के कंपैरेटिवली बड़े डिफिकल्ट होते हैं। देन हाई लेवल लैंग्वेज, वी हैव थ्री लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज वी हैव मशीन लैंग्वेज होगी, देन हमारी जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज होगी, फिर जो आजकल चल रही है दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज कोई भी हो, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझेगा। हाई लेवल लैंग्वेज वो जो कंपाइलर होता है उसको ट्रांसलेट करता है, मतलब कि जो भी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझे वो भाषा में उसको ट्रांसलेट हो, किसकी वजह से पॉसिबल होता है, कंपाइलर की वजह से। सो गाइस ये था हमारा मतलब आपके फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, एक शॉर्ट ओवरव्यू मैंने आपको करवाया, तो बाकी के जितने भी मतलब डाउट्स वगैरह वो भी आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हो। सो विद दिस थैंक यू वंस अगेन।